मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया है, क्या क्या बना रही हूँ प्रोसेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आज है फ्राइडे और मैं बहुत दिनों के बाद में वीडियो शूट करने जा रही हूँ। तो अभी ना मैं सुबह सुबह का काम कर रही थी, तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चेतनाज लाइफस्टाइल में। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने लगा दी और आपसे बात करने के चक्कर में हल्की सी लग भी गई है, पर ये स्टील की कढ़ाई में यही प्रॉब्लम होती है। आने जा रही हूँ बेसन वाली मिर्ची, तो अभी फ्राई करने के लिए हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़े से करेले फ्राई थोड़े बहुत थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए फ्राई, यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं करेले को फ्राई करने के लिए। सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी और कुछ भी नहीं डालना मुझे, नमक मिर्च मसाले डालूंगी। इसके फ्राई होने के बाद में सैलेड भी मैंने कट करके रख दिया है इस तरह से। ये भी हमारी बनने वाली है करेले की सब्जी, जो कि बहुत थोड़ी सी है मेरे लायक है। मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बनाया है देसी ब्रेकफास्ट, जिसमें रोटी है, छाछ है, प्याज है, काला नमक है, थोड़ा चिली फ्लेक्स है। तो ये इस तरह से ठंडा ठंडा गर्म, इस तरह से ठंडा ठंडा जो नाश्ता है गर्मियों में अच्छा रहता है और बड़ी ठंडक भी देता है। ऑयल भी यहाँ से, मतलब ब्रेकफास्ट में तो हम ऑयल को इंक्लूड भी नहीं करते हैं। तो ये बन चुकी है करेले की सब्जी, बड़ी अच्छी लग रही है ना। थोड़ा सा बेसन भी डाला था मैंने। मंगवाए थे सुबह, तो वो वॉश करके लगा दिए हैं, थोड़ा सूख जाएंगे फिर अंदर। इस तरह से मेरा जो सुबह का रूटीन होता है वो मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बार मैं सोचती हूँ कि सुबह से रूटीन बताऊं, बट आधी चीजें तो रह ही जाती है, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअल में। और फिर क्या होता है ना कि एक आदमी काम भी कर रहा होता है, फिर शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो जो भी चीजें मैं पॉसिबल हो पाता है वो आपको दिखाती हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता होगा। और अभी तो मैं नहा ही नहीं हूँ, अभी नहाना बाकी है, नहाने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। और अभी तो मेरी करेले की सब्जी है जो चढ़ी हुई है गैस पर, और वो पूरी कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपको घर के भी निकल गई हूँ। और बस अभी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाऊंगी, और दक्ष भी नहा लिया है, देखो आप कितना अच्छे से कॉम कर लिया है इसने आज, है ना। और अभी झाड़ू पोछे होना बाकी है, मशीन चला दी है, कपड़े धुल करके निकल जाएंगे। सच में सुबह सुबह का तो रूटीन इतना खतरनाक होता है कि मैं शूट करूँ या काम करूँ, ये मेरे लिए थोड़ा टास्क हो जाता है। और अभी तो क्या ना, दक्ष स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल जब ओपन हो जाएंगे तब फिर और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो इस वजह से ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर कोई नहीं, काम तो करना ही है, काम मना नहीं कर सकते, फिर कौन करेगा, काम तो अपने को ही करना है। तो जिम्मेदारी जितनी जल्दी समझ जाए आदमी अपनी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना दक्ष। और अब दक्ष को लगी है जोरों की भूख, और खाना वगैरह बन चुका है ऑलरेडी। थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेती हूँ, उससे पहले मैं टोनर लगा लेती हूँ। और आज हेड वॉश किया है, वो भी थोड़ा बालों को अच्छे से सुखा लूँ, तब तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठूंगी, और उसके बाद में जो भी लगाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन मैं डेली लगाती हूँ नहाने के बाद में, और अभी चिपचिप ज़्यादा है तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है, तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ टोनर लगाने के बाद में, अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करवा रही हूँ अपनी स्किन में। नेक पर भी लगाना है, हैंड पर भी लगा लेना चाहिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ पूरे फेस और नेक पर, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो अपने हैंड पर भी लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल, तो काजल ना ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था, बट ये मैं बहुत दिनों के बाद में यूज़ कर रही हूँ, तो ये देख सकते हैं आप बहुत मुश्किल से अप्लाई हो रहा है, और बहुत देर के बाद में अप्लाई हुआ है ये काजल। उसके बाद में अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ, अभी आजकल ना मैं लिक्विड लगा रही हूँ, नहीं तो मैं ड्राई सिंदूर ही लगाना पसंद करती हूँ, बट अभी गर्मियाँ हैं तो बहने लगता है ड्राई सिंदूर। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं बिंदी, तो बिंदी मैंने थोड़ी सी दूसरी वाली लगाई है आज, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं ना, तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है करना। तो ये काजल अब मैं दूसरी आई पर भी लगा रही हूँ। इस तरह से मेरा जो रोज़ का रूटीन है वो हो जाता है। और आज मैंने सोचा कि मुझे लिपस्टिक भी लगाना चाहिए, अच्छा लग रहा था आज, मैंने हेड वॉश भी किया था तो लगा कि लिपस्टिक भी लगा लेनी चाहिए।
और बाकी तो मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है और लिपस्टिक लगाई है। तो लिपस्टिक से भी काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पर, लगाने के बाद में काफ़ी अंतर आप सभी को दिखाई भी देगा। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे बाल अभी हल्के हल्के से गीले हैं तो अभी मैं इनको नेचुरली ही सूखने दूंगी। और ये आप मेरा लुक देख सकते हैं, ये जो सोबर सिंपल सा लुक है ना, ये अच्छा लग रहा है। हाथ में गाड़ी पीछे अभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है अब, क्योंकि 12 बजने वाली है शायद, मैं देखूंगी अभी टाइम। खाना ना मैं सर्व कर लेती हूँ। चपाती ले लेती हूँ दो, ठीक है। थाली रेडी हो चुकी है, छाछ है, दो चपाती है, करेले की सब्जी है, सलाद है, बेसन वाली मिर्च है, भिंडी है। तो अब बहुत सारी चीजें हो गई ना खाने की, तो इस वजह से मैंने अचार नहीं लिया, अगर कम होती तो मैं अचार भी ले लेती हूँ। चलें रूम में ही चलते हैं। दक्ष देख रहा है टीवी और मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे जाकर के खाना खाऊंगी नीचे बैठ के आराम से। सो गाइज, मैं ऐसे ना नीचे बैठ कर के खाना खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तो बिस्तर पे बैठ के खाना खाते ना तो सही नहीं है वो खाना। बहुत सही है। देखो पीछे से दक्ष बोल रहा है ना। करेले की सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी है, 1% कड़वी नहीं लग रही है। मैं आपको दिख ही नहीं रही थी इतनी देर से, कैमरा की सेटिंग ही नहीं बैठ पाती है। लक्ष्य आवाज कम कर दो। मजा आ गया सच में। खाना बनाते समय अगर 3-4 वैरायटी बना लेते हैं ना, उसके बाद जब आप बैठोगे खाना खाने, तो वो जो मजा है ना खाना खाने का, वो जब आपको फील होगी आपकी मेहनत जब आप खाना खाने बैठोगे। आज मैंने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि तैयारी भी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है, फिर वो याद करना रहता है कि मुझे ये भी शूट करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा ही ब्लॉग बनाती हूँ। और बहुत से लोगों को मैं जो खाना खाती हूँ ना, वो वीडियो देखना बहुत पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग बनाते हैं। और मैंने अभी भी इंस्टाग्राम पे अपनी मेरा गाया हुआ एक सॉन्ग डाला है, तो अभी आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यशवी कुमारी ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो जरूर कर लीजिए और फॉलोवर बढ़ाइए आप मेरे प्लीज। तो चलिए मैं खाने को फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में आप। खाना वाना खा लिया है, मस्त मजा आ गया खाना खा करके। और मेरे ना ये कपड़े बाहर सूख रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि बारिश आ गई तो क्या करूंगी मैं। और आज ना बाई से मैंने बोला था कि बाहर सुखा के उधर साइड में सुखा देना, बट आज उसने इधर ही सुखा दिए। ये भगवान थोड़ी सी देर बारिश ना आए तो अच्छा रहे, क्योंकि मेरे कपड़े सूख जाए उसके बाद आए तो चलेगा। सब व्यक्ति कितने ज्यादा सेल्फिश होते हैं ना, अपना मतलब देखते हैं। खैर बारिश आ भी जाएगी तो फिर मैं उतार भी लूंगी और फिर अंदर ही डालने पड़ेंगे इधर उधर। अब तो ऐसा लगा ही रहेगा क्योंकि मानसून तो आ ही गया है ना। और मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी सी देर वज्रासन में, क्योंकि खाना खाया है।
तो वज्रासन में बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। मुझे लगता है नींद तो नहीं आएगी मुझे, 12:15 हो गई है, खाना वगैरह मैंने सही टाइम पे खा लिया आज तो, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में। गाइस गुड आफ्टरनून, और भी बजने वाली है 2:30 दोपहर के। मैं सो गई थी खाना खाने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अभी मैंने बनाई है अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और जो भुनी हुई मूँगफली होती है ना, वो नमक वाले जो दाने होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे इसके साथ में, आपको दिखाती हूँ। कॉफ़ी है ये, इधर भुनी हुई मूँगफली रखी है नमक वाली, और ये बड़ी अच्छी लगती मुझे खाने में, और दिन में छोटी मोटी भूख में तो ये अच्छे लगते हैं। और भी मैंने ये अंदर डाल रखी है खाने पीने की चीज़ें इन डब्बों में, अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। बाहर ना अचानक से मौसम बदल गया है, बारिश जैसा मौसम हो गया था, तो कपड़े उतार दिए मैंने। ऐसे दिन भर का रूटीन चलता रहता है, और तो मैं आपके साथ में क्या ही शेयर करूँ, बाहर जाऊँगी तो फिर वो अलग से ब्लॉग आएगा, तो फिलहाल तो आप यही देख सकते हैं मेरा रूटीन। और कॉफ़ी पी ली है। आजकल ना मेरा जो रूटीन है ना वो बहुत अलग हो गया है, मतलब मैं अपना जो शाम का डिनर है ना वो 3:30 बजे कर लेती हूँ दोपहर में। ऐसा वीक में मतलब मैं कर लेती हूँ, वीक मतलब 5 डेज का मैं कर लेती हूँ, एक दिन में नॉर्मल भी, एक दो दिन में नॉर्मल रहने देती हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा फील हो रहा है, लाइट सा फील हो रहा है, तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है काफ़ी टाइम से, मतलब अभी तो मुझे 7 दिन हो जाएंगे, 7 दिन होने वाले हैं मुझे, कल हो जाएंगे 7 दिन ये वाली डाइट फॉलो करते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं स्पेशल अपने लिए कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, अलग से कुछ बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल जो घर में खाना बनता है वही खा रही हूँ, बस टाइम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और यार रोज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं इस डाइट को, बिकॉज क्योंकि कहीं जाना भी पड़ जाता है खाना खाने के लिए, तो फिर उस दौरान फिर थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाती है कि 3:30 बजे कौन सा खाना स्टार्ट होगा मेरे लिए, तो वो होता है फिर मुझे वैसे ही खाना पड़ता है जैसे नॉर्मल जहाँ जब खाना खाते हैं, तो इस वजह से। और अभी भी ना मुझे मतलब मैंने थोड़ा सा एक थोड़ी सी छोटी सी नींद होती ना वो ली थी, पूरी प्रॉपर आई नहीं थी, क्योंकि मेरे घर के बाहर ना एक बहुत ही भयंकर वाला डीजे चल रहा था, और इतना भयंकर वाला साउंड था ना उसका, सर में ही दर्द हो गया मैंने, पता नहीं मुझे उसी दौरान हल्की सी नींद भी आ गई थी, बट इतने अच्छे से आई नहीं है। और यार ये डीजे आप लोग चलाते हैं ना, मैं जो भी डीजे चलाने वालों को भी बोलूँगी कि आप जो चलाते हैं ना, किसी हार्ट पेशेंट को तो हार्ट अटैक आ जाए, इतना ज़्यादा घर्षण होता है इसमें डीजे में, जो साउंड चलता है ना उसका बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आती है अंदर से, तो वो बहुत ख़राब है किसी भी हार्ट पेशेंट के लिए, तो बहुत ही ख़राब है, और बच्चों के लिए भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो आप लोग वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन करके चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी मेरा वीडियो यदि देख रहा है तो। और मुझे तो ये डीजे वाला जो है ना सिस्टम अच्छा ही नहीं लगा है, पहले जो बैंड वाले सिस्टम थे ना वो तो बंद होते जा रहे हैं, और डीजे ने कदम रख लिया, तो बहुत गंदा लगता है, सच बता रही हूँ मैं, रोड पर जो चलता है ना बहुत ही गंदा लगता है। और तो ऐसा मेरा रूटीन चल रहा है आज का, और तो मैं आपको क्या ही शेयर करूँ, कुछ याद आ रहा था एक मुझे चीज़, बट अभी याद नहीं आ रही मुझे, थोड़ी देर पहले याद था कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बट याद नहीं आ रहा है। हाँ ये बोल रही थी कि बच्चों की छुट्टियां है ना जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, और इस बार तो मैं ना दक्ष को कहीं घुमाने भी नहीं लेके रहूंगी, सुन लेगा ना तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, तो इसको घुमाने नहीं लेके गई हूँ इस बार में, बट क्या करें यार लेके जा ही नहीं पाती, क्योंकि इसकी ना क्लास चल रही है अभी तक भी, बैडमिंटन क्लास चल रही है, अब एकस की तो छुट्टियाँ चल रही थी तो अभी कल से स्टार्ट हो गई है वो भी, और अब तो छुट्टियाँ कितनी सी बची है। वैसे मैं इसको आसपास सब जगह घुमा करके लेके आ जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं लेके जाती हूँ, और आज तो मौसम बहुत ठंडा भी लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं शाम को स्विमिंग करने के लिए जाती इसको लेके जाती, बट मौसम ठंडा है ना तो अब नहीं लेके जाऊँगी, धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर उसने सुन लिया ना तो मेरे पीछे पड़ जाएगा कि नहीं आपने बोला स्विमिंग के लिए तो आप लेके ही चलो, तो इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, पता नहीं सुन भी लिया होगा, तो अभी शायद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना तो इसलिए बोल नहीं रहा होगा, और अभी तो
3 बजने वाली है, दक्ष को भेजूंगी क्लास में, उसके बाद सीधा यहाँ से डायरेक्ट वो जाएगा खेलने के लिए। सो ऐसे ऐसे मेरा रूटीन चल रहा है। और सच में ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कंटिन्यू 4 मिनट से बोल रही हूँ, इसको कट करके दोबारा शुरू। मैं रात का डिनर जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत लाइट फील होता है फ्रेंड्स। सुबह तक फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, फिर मेरा जब 16 आवर्स पूरे हो जाते हैं ना, तब जा करके फिर मैं कोई ना कोई फ्रूट खाती हूँ या कोई शेक बना के पी लेती हूँ, ऐसे मेरा रूटीन चलता है। सो अब देखते हैं शाम को क्या बनाती हूँ। मेरा तो सिंपल सा लंच मतलब डिनर होने वाला है, लंच तो मैंने कर ही लिया था आपके सामने। अब डिनर में सोच रही हूँ कि वीट सैंडविच बना लूँगी, वेजिटेबल वाला, वीट ब्रेड पड़ी है मेरे पास तो वेजिटेबल सैंडविच बनाने की सोच रही हूँ। तो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ, अभी सोचा है बट अभी पूरा पूरा मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं जब बनाऊँगी खाऊँगी तो आपको दिखा दूँगी। और उसके बाद ना गाइज मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और हम पपाया शेक पीने के लिए आ गए थे नाइट में खाना खाने के बाद में, तो ये छोटी सी क्लिप मैं लास्ट में जोड़ रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।